Good morning, students. Earlier we studied about the computer networks. Computer networks के components कौन-कौन से हैं और computer networks की advantages क्या हैं ये हमने study किया इस chapter में. Components में जब हमने study किया तो हमने देखा कि messages, receiver, sender, transmission medium के साथ-साथ protocols जो हैं वो क्या है अपना एक रोल प्ले कर रही है किसी भी डेटा को ट्रांसफ़र होने में. तो जो ट्रांसमिशन मीडियम है, ट्रांसमिशन मीडियम कोई भी वायर भी हो सकती है या वो वायरलेस भी हो सकता है. द सेम थिंग वी विल स्टडी इन द नेटवर्किंग मीडिया. एज पर द नेटवर्किंग मीडिया डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और वन लोकेशन टू अनदर by using wires or without using wires. अगर wired technology की बात करें, wired technology क्या है? जब हम wires के साथ, तारों के साथ क्या करते हैं? Data को एक place से दूसरी place पे send करते हैं. अब ethernet cable जो है, वो क्या है? First example है, किसकी? Cables की, means वायर्स की, वायर्ड टेक्नोलॉजी की फर्स्ट एग्जांपल है. या इसमें क्या कह सकते हैं हम कि ईथरनेट केबल एक्चुअली में होती क्या है. ईथरनेट केबल इज द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर नेटवर्क केबल यूज्ड इन वायर्ड नेटवर्क्स. वायर्ड नेटवर्क्स में की जाने वाली सबसे पॉपुलर जो केबल है वो है ईथरनेट केबल. फाइन, दिस वाज ऑल अबाउट. एंड दिस केबल रिजेंबल्स अ फोन केबल. और ये किससे मैच करती है? बिल्कुल फोन केबल के साथ मैच करती है. बट इज द लार्जर देन द फोन केबल एंड हैज 8 वायर्स. बेसिकली क्या होती है ये लार्जर होती है फोन केबल से और इसके अंदर 8 और वायर्स जो होती हैं उनका कॉम्बिनेशन होता है. वी कैन चेक दिस इन दिस पर्टिकुलर पिक्चर. इस पिक्चर में भी हम देख सकते हैं. It seems like that. जैसे कि हमारे पास फोन की एक केबल होती है, बिल्कुल फोन की केबल की जैसी होती है, लेकिन इसके अंदर जो पॉइंट्स होते हैं, वायर्स लगी होती हैं, वो टोटल इन नंबर 8 होती हैं. इस चीज को हमने ध्यान में रख के चलना है. Fine. After that, if we look at the book, so the advantage of this cable is that इसकी basically advantages क्या है? They have less power consumption. एक तो ये power consumption बहुत लेती है. But drawback with these cables is the computer requires the Ethernet adapter card on the motherboard to connect the Ethernet cable. Ethernet cables को connect करने के लिए हमें क्या चाहिए? Ethernet adapter card चाहिए. Fine. लेकिन Ethernet cable को हम use करते कहाँ पे हैं? Ethernet cable connects the various devices such as PC, router, switches within the local area network. Local area network में PCs को, routers को, switches को, इन सब को आपस में connect करने के लिए हम local area network जो है उसे use करते हैं. And advantages of these cables is that, क्या advantages थी हमने पढ़ी थी? कि एक तो इनकी power consumption जो है वो बहुत कम है. What is it exactly? Lesser the power consumption. फाइन. और ड्रॉबैक क्या था? कि इनको कंप्यूटर्स के साथ अटैच करने के लिए ईथरनेट अडैप्टर कार्ड जो है वो मदरबोर्ड के ऊपर चाहिए टू कनेक्ट दीज केबल्स, इन केबल्स को जोड़ने के लिए. एंड दीज केबल्स आल्सो हैव देयर लिमिटेशंस. और इसकी लिमिटेशन क्या है? बोथ इन डिस्टेंस दैट दे कैन स्ट्रेच विदाउट लूजिंग सिग्नल क्वालिटी एंड देयर ड्यूरेबिलिटी. फाइन. ये क्या हो जाता है अगर डिस्टेंस की बात करें? फाइन. तो दे कैन स्ट्रेच. फाइन. हम इसको क्या कर सकते हैं? स्ट्रेच कर सकते हैं, जिससे सिग्नल की क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी दोनों क्या हो जाती हैं? लूज हो जाती हैं. सॉरी, क्वालिटी जो है वो लूज नहीं होती और ड्यूरेबिलिटी भी नहीं. फाइन. नेक्स्ट इज देयर आर द मेनली टू टाइप ऑफ ईथरनेट केबल्स. दो टाइप की ईथरनेट केबल्स बेसिकली हैं. एक तो क्रॉसओवर केबल्स होती हैं. फाइन. जो बेसिकली क्या है? इज डिजाइन फॉर कनेक्टिंग टू कंप्यूटर्स विदाउट हब और राउटर.
बिना हबियां, बिना किसी राउटर के दो कंप्यूटर्स को आपस में अटैच करने के लिए क्रॉस ओवर केबल्स को यूज करते हैं, एंड स्ट्रेट थ्रू केबल्स होती हैं। दिस टाइप ऑफ केबल्स हैव गॉट बोथ इट्स एंड आइडेंटिकल टू ईच अदर। बोथ एंड्स क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं, फाइन। एंड इट इज यूज टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू अ राउटर और अ स्विच, फाइन। आइडेंटिकल मतलब एक जैसे होते हैं। इसके जो दोनों एंड्स के होते हैं सेम होते हैं, सिंगल सॉरी स्ट्रेट थ्रू केबल। स्ट्रेट थ्रू केबल के दोनों एंड्स एक जैसे होते हैं, और बेसिकली ये राउटर और स्विच को कंप्यूटर के साथ अटैच करने के लिए यूज की जाती है, फाइन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इथरनेट केबल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज द कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल की अगर बात करें तो कोएक्सियल केबल आर यूज्ड इन द ट्रांसमिशन ऑफ वीडियोज। हम कोएक्सियल केबल को ट्रांसमिशन ऑफ वीडियोज के लिए यूज करते हैं, कम्युनिकेट सिग्नल्स एंड ऑडियोज के लिए। किन चीजों के लिए यूज किया जाता है? ट्रांसमिशन ऑफ वीडियोज, कम्युनिकेशन सिग्नल्स एंड ऑडियोज ट्रांसफर के लिए हम यूज करते हैं। इट इज मेनली यूज्ड बाय द केबल टेलीविजन इंडस्ट्रीज टू कनेक्ट द टीवी टू अ केबल टीवी सीरीज। हाउएवर दिस केबल कैन बी यूज्ड इन द नेटवर्क हैज हाई बैंडविड्थ एंड ग्रेटर द ट्रांसमिशन कैपेसिटी। क्यों जो टीवी चैनल्स वाले हैं वो इस केबल को क्यों यूज करते हैं? बिकॉज ऑफ इट्स हाई बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होती है? ना, एक लार्ज अमाउंट में, हाई अमाउंट में जो डेटा होता है वो एक साथ पास करता है, फाइन। और इसकी ट्रांसमिशन क्वालिटी या कैपेसिटी जो कहते हैं वो भी क्या होती है? बेटर होती है एज कम्पेयर टू द अदर केबल्स। एंड कोएक्सियल केबल कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल कॉपर वायर सराउंडेड बाय द आइसोलेशन एंड देन अ शील्ड वेयर्ड वायर्स, फाइन। और उसके बाद क्या होती है? एक वायर्स की बनी हुई जो शील्ड होती है वो इसके ऊपर कवर की होती है, फाइन। कई बार हम व्हेन वी जस्ट ब्रोक अ वायर, एक बहुत थिक सी वायर होती है ब्लैक कलर यूजुअली, जिसके बीच जो सेंट्रल वायर होती है वो बहुत हार्ड होती है कॉपर की, और उसके सराउंडिंग्स पे छोटी छोटी वायर्स उसके साथ अटैच होती हैं, और सबसे बाहर वी फील लाइक दैट अ क्लोथ इज मतलब जैसे कोई भी क्लोथ उसके ऊपर टाई किया होता है, फाइन। सो इन दिस वे जो कोएक्सियल केबल है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है, फाइन, एंड वी कैन फाइंड इट आउट इन द सेम वे। ना, इट इज रिलेटिवली इन एक्सपेंसिव एंड कैन ट्रांसमिटेड द डेटा एट द हाई रेट्स। क्या होती है? इन एक्सपेंसिव होती हैं और हाई रेट डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज करते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड द बेटर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस। और क्या करती है ये? बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है किसके अगेंस्ट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस, फाइन। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यू पीपल होप सो अंडरस्टैंड, जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस होती हैं, फाइन, उनसे ये चैनल को या सिग्नल को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। ओनली डिसएडवांटेज एसोसिएटेड विद द कोएक्सियल केबल इज इट्स हाई इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। और सबसे प्रॉब्लमिस्टिक जो चीज़ है कोएक्सियल केबल में, सबसे जो डिसएडवांटेज हम जिसको मानते हैं कंप्यूटर्स में, वो ये है कि एक तो इसको मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कॉस्ट लगती है इसको मेंटेन करने के लिए, और प्लस जब इसकी इंस्टॉलेशन करनी होती है देन ऑल्सो इट इज वेरी हाईली प्राइज्ड। द टू मेन टाइप ऑफ कोएक्सियल केबल्स हैं जिनको हम यूज करते हैं। एक तो बेस बैंड कोएक्सियल केबल है। बेस बैंड कोएक्सियल केबल बेसिकली क्या करती है? ये सपोर्ट करती है ट्रांसमिशन के उस सिग्नल को, एक सिंगल सिग्नल को, फाइन। जैसे कि हम लैन की बात करें, फाइन, लोकल एरिया नेटवर्क में एक टाइम पे एक ही इंसान कमांड देता है, फाइन, पूरे नेटवर्क में। सो बेस बैंड कोएक्सियल केबल को लैन में बेसिकली यूज किया जाता है। व्हाई वी यूज इट इन द लैन? इट सपोर्ट्स क्विक ट्रांसमिशन ऑफ अ सिंगल सिग्नल एट अ टाइम। जो ट्रांसमिशन होती है वो क्विकली होती है, लेकिन सिर्फ एक सिग्नल की जो ट्रांसमिशन है हम वही कर सकते हैं। उसके साथ ही ब्रॉडबैंड कोएक्सियल केबल्स भी होती हैं। इट ट्रांसमिट्स द मल्टीपल सिग्नल्स एट अ टाइम
एंड इज यूज्ड फॉर द लॉन्गर डिस्टेंसेस, ज्यादा दूर तक के डिस्टेंसेस के लिए या ब्रॉडबैंड सिग्नल्स के लिए जो कोएक्सियल केबल्स हैं वो यूज की जाती हैं। फाइन, और अगर नियर बाय की बात करें, लैन की बात करें, तो बेस बैंड कोएक्सियल केबल और ब्रॉडबैंड केबल्स फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस एंड फॉर द मल्टीपल सिग्नल्स। होप यू पीपल अंडरस्टैंड दिस होल, एंड वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट अबाउट द वट वी स्टार्टेड इन दिस स्लाइड। पर्टिकुलरली वी डिस्कस्ड अबाउट द नेटवर्किंग मीडिया। नेटवर्किंग मीडिया में हमने टू टाइप की टेक्नोलॉजीज जानी, वन इज वायर्ड एंड वन इज वायरलेस। अगर वायर्ड नेटवर्क टेक्नोलॉजी की बात करें तो टू टाइप ऑफ केबल्स वी स्टडीड हियर, ईथरनेट केबल एंड कोएक्सियल केबल। ईथरनेट केबल क्या थी, वॉज यूज इन द अर्लियर टाइम्स एंड वेरी पॉपुलर। कैसी होती है, सेम एज द फोन लाइन, फाइन, लेकिन क्या डिफरेंसेस है, उससे थोड़ी सी लार्ज होती है, प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ 8 वायर्स जो होता है वो इसमें यूज होता है। बट ओनली अ ड्रॉबैक इज देयर कि इसको इंस्टॉल करने के लिए मदरबोर्ड पे ईथरनेट अडेप्टर कार्ड का होना जरूरी है। फाइन, दिस वॉज ऑल अबाउट इट। एंड इसकी दो टाइप्स हैं फर्दर, क्रॉस ओवर केबल एंड स्ट्रेट थ्रू केबल। क्रॉस ओवर केबल, आपस में दो कंप्यूटर्स को जब हमने कनेक्ट करना है तो हम क्रॉस ओवर केबल यूज करते हैं, और जब हमें सिर्फ एक कंप्यूटर को किसी राउटर या स्विच के साथ अटैच करना है तो हम स्ट्रेट थ्रू केबल है जो वो यूज करते हैं। उसके बाद हमने कोएक्सियल केबल के बारे में पढ़ा। कोएक्सियल केबल क्या है, ट्रांसमिशन मीडियम के लिए यूज की जाती है, बेसिकली वीडियोज, ऑडियोज और जितने भी कम्युनिकेशन सिग्नल्स होते हैं उनको सेंड करने के लिए हम यूज करते हैं। मोर्शो जो टीवी इंडस्ट्री है वो इसे बेसिकली यूज करती है। क्यों यूज करती है, बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस प्रोटेक्शन, फाइन, क्योंकि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस, फाइन, और ग्रेटर बैंडविड्थ और ग्रेटर ट्रांसमिशन कैपेसिटी की वजह से इसको यूज किया जाता है। इसकी स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा कि इट्स सेंट्रल वायरस कॉपर एंड सराउंडेड बाय द आइसोलेशन एंड देन द शील्ड ऑफ बेयर्ड वायर्स होती है, फाइन। और अगर इसकी टाइप्स की बात करें तो बेस बैंड कोएक्सियल केबल एंड ब्रॉडबैंड कोएक्सियल केबल, टू टाइप की जो कोएक्सियल केबल्स हैं वो यूज की जाती है। जो बेस बैंड है वो एक सिंगल सिग्नल को एक टाइम पे सेंड करने के लिए लैन में यूज की जाती है, और अगर सेकेंड टाइप की बात करें तो सेकेंड टाइप में जो ट्रांसमिशन है वो क्या होती है, मल्टीपल सिग्नल्स जो हैं वो ट्रांसमिट होते हैं एक ही टाइम पे, और फॉर द लॉन्गर डिस्टेंसेस वी यूज दिस। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। होप यू पीपल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। इफ एनी डाउट इज देयर यू मे आस्क।